तो और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल यार। ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, पार्ट वन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। आज हम जाके देखने वाले हैं पार्ट टू, न्यू विलन जोकर। लेट्स सी कैसा होता है। सब्सक्राइब कर देना अगर आप न्यू हो तो। कुछ अलग बोला गया, शुरू करते हैं। चलो भाई, ओ साउंड ठीक ज्यादा हो गया। क्या हो रहा है? मुझे किस मैप से शुरुआत करनी चाहिए, किस मैप को मैं पहले तबाह करूं? हाँ, मुझे सबसे पहले एक साथी की जरूरत है जो मुझे सभी मैपों पर कब्जा कर। ओ ये क्या क्या, इसका नाम क्या था? इसका नाम क्या था, मैं भूल गया भाई। इसका नाम क्या था मैं यार? मदद कर गॉडी विल। क्यों बॉस, आपके अकेले की फटती है क्या मास्टर और रूम से? क्या कहा तूने अभी? बॉस को कहा भाई, फटती है क्या? बहुत सही। नहीं बॉस, मैं तो बस इतना कह रहा था कि मुझे भी आपके नए साथी को देखना है कि वो कैसा दिखता है। चलो भाई, बहुत सही। मैं कहने वाला था कि भाई बीच में कोई फनी कैरेक्टर डालो, तो भाई कर रहे हो, बहुत अच्छा लगा। लगता है मुझे ही कुछ गलत सुनाई में आया होगा। वैसे भी मेरे पास तुम जैसे गार्ड्स पर वेस्ट करने जितना फालतू टाइम नहीं है। ओ उड़ गया। अरे यार, मुझे सही में यकीन नहीं हो रहा कि मेरे पास सही में मैजिकल पावर्स आ गई। देखिए, एक बार टेलीपोर्ट होने वाली पावर को यूज करके देखता हूँ। भाई इतने से ही शूट करोगे ना तो भी ठीक है, इतना ज्यादा जूम मत करो यार। टट्टी कर रहा है क्या बंदा? अरे वाह यार, मैं तो सही में टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पर आ गया। अबे कौन है तू और अचानक मेरे घर में कैसे आ गया? रुक साले, मुझे पता है तू चोर है, अभी तुझे बताता हूँ। चले भाग जा चोर यहाँ से, भाग जा। अरे अंकल अंकल मारो मत यार, मैं मुझे लगा वो बंदा वो कर रहा है। गलती से आ गया था, जा रहा हूँ। अपने शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हुए। योका देख लियो, वो बंदा कहाँ गया, बचा लो भूत। अरे भूत, योका देख लियो। बहुत सही भाई, अंकल जी भी गन लेके बैठे, ये सही नहीं लगा मुझे। कोई दिक्कत नहीं, मुझे सही लगे या ना लगे किसी को क्या ही फर्क पड़ता। यही एक ऐसा मैप है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है, इसीलिए अगर यहाँ पर कोई एक बंदा कम हो भी गया तब भी किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला है। अभी मैं मास्टर उरुम से जितना दूर रहूंगा उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि मास्टर उरुम की शक्तियों का उत्तराधिकारी मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हो अभी, इसलिए मैं पहले वो काम करता हूँ जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अच्छा, क्या काम करने के लिए आए हो भाई साहब? चलो बंदे ने भाई गेट फोड़ने की कोशिश, बंदा फुट ना फट जाए यार, ये फट गया। ये क्या, तुम तो गॉड इल्फिन हो ना, तुम वापस जिंदा कैसे? गॉड इल्फिन? अच्छा, इसका नाम इल्फिन है, इल्फिनो है क्या? क्या करें, तुम जैसे कमजोरों पर राज करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना, इसीलिए मुझे वापस आना पड़ा। फिर तो मास्टर उरुम भी वापस आ चुके होंगे, मुझे उन्हें जाकर बताना होगा कि तुम भी जिंदा हो चुके हो वापस। बताने के लिए तू जिंदा थोड़ी ना रहेगा, ऐसा कुछ होगा आई थिंक, मैंने गेस किया है, सॉरी। नहीं बेटे, तू तो नहीं जा सकता किसी भी हाल में नहीं, क्योंकि यहाँ पर इतनी दूर मैं सिर्फ तुझसे ही मिलने आया हूँ। तुझे मुझसे क्या काम है? अब तू इतना पूछ रहा है तो तुझे बता ही देता हूँ। बताना क्या है, दिखा ही देता हूँ ना। अच्छा, मारने का काम है, बहुत सही। ये क्या कर रहे हो तुम? नहीं तो तुम ऐसा नहीं कर सकते आप। नो, आ, आ। अरे भाई, बंदे को भाई जोकर बना दिया। अच्छा, पावर दिया था, मुझे लगा मारने की कोशिश कर रहा था। मैं सपना तो नहीं देख रहा, मैं सही में जिंदा हो गया क्या? अबे ओ ओवर एक्टिंग की दुकान। अच्छा भाई, इसने अपने फ्रेंड को उसके शरीर में घुसाया जैसे ये घुस के आया था, है ना? ऐसा कुछ हुआ। तू बिल्कुल नहीं बदला है, हजारों सालों बाद अब जिंदा हुआ है तू। अभी भी तुझे मजाक ही करना है या पहले जिसने तेरी पेटी बनाई थी उससे बदला भी लेगा? क्या वो मास्टर उरुम और व्हाइट जोकर भी वापस आ चुके हैं? अभी चल, उन दोनों की अभी पेटी बनाकर आते हैं हम। अबे इतनी जल्दीबाजी मत कर, थोड़ा सबर कर, हम उनके पास भी जाएंगे और उनकी पेटी भी बनाएंगे, लेकिन पहले हम मास्टर उरुम के उत्तराधिकारी के बारे में जानकारी तो हासिल कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि उसे मास्टर उरुम की पूरी पावर्स का यूज करना अभी से ही आता हो और वो हम दोनों की ही पेटी बना दे। हमारी टीम में दिमाग लगाने का काम तेरा है तो वो काम मैं क्यों करूं भला? जल्दी उन दोनों के बारे में जानकारी हासिल कर। जोकर जोकर जैसे काम, सॉरी बात कर रहा है, ताकि मैं उनकी पेटी बनाऊं। मेरे हाथ में खुजली हो रही है।
अरे भाई साहब, ओवर कॉन्फिडेंट। चलो भाई, भाई तुम भी पहले जाओगे, देखा जाएगा आगे का एपिसोड, डोंट वरी। अब कौन आया? ओ भाई, ये शक्ति यूज करते करके बैठ रहा। अरे यार, मुझे भी इन पावर्स को कंट्रोल करना सीखना होगा। औच, उन अंकल ने बहुत तेज कमर पे घुसा दिया यार, पर गलती भी तो मेरी थी। यार एक बार मैं इन पावर्स से किसी की मदद करना चाहता हूँ। ओ नो, उसका एक्सीडेंट होने वाला है, मुझे उसे बचाना होगा। ओए नहीं, अबे साला कौन है मुझे धक्का देने वाला? बाप रे, कमर टूट गई रे। नाइस, तुझे भी बताता हूँ, मुझे धक्का देके गिराएगा तू। हाँ अब बोल भाई, तेरी क्या परेशानी है, मुझे धक्का क्यों दिया तूने? अरे भाई आप गलत समझ रहे हो, आपका एक्सीडेंट होने वाला था कार से, मैंने तो आपको बचाया है। अबे जोकर सी आउटफिट के, सुबह से क्या मैं ही मिला हूँ तुझे पागल बनाने के लिए? क्या यहाँ पर कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है जो मेरे टक्कर लगने वाली होगी और तू स्लो मोशन में भाग कर मुझे बचा लेगा? अरे भाई पूरा स्क्रिप्ट ही बता दिया। ऐसी बात कर रहे हो, स्लो मोशन में तो मेरी भी टक्कर लग जाती, मैंने तो स्पीड से भाग कर बचाया आपको। अच्छा, सुपर हीरो तो नहीं हो जो हम सबको बचाओगे अब से? ये बात आपको कैसे पता चली भाई? अबे नूबड़ी के, तू राजी यहाँ से जा रहा है या मुझसे पिट कर जाएगा? नहीं नहीं भाई, मारना मत, मैं जा रहा हूँ यार, मारना मत भाई। नाइस कन्वर्सेशन। ये तो सही में गायब हो गया, पर ये गायब हो कैसे गया मेरे आंखों के सामने से यार? वो पीछे है ना? अरे वो पीछे दिख रहा था भाई। अब फिर से गुंडे आ गए क्या लूटने के लिए? अब फिर से वो बचाएगा, ऐसा हो सकता है? मैं भी। अरे भाई वो बंदा था कौन जिसने पहले तेज स्पीड से तुम्हारे एक्सीडेंट होने से बचा लिया, फिर उसके बाद तुम्हारे पास से ही वो गायब हो गया? क्या मतलब, वो बंदा सही में सच बोल रहा था? उसके पास मैजिकल पावर्स हैं और उसने सही में मेरा एक्सीडेंट होने से बचाया है? अबे ये सब एरेंगल में चल क्या रहा है यार, कोई मुझे बताएगा? तो फाइनली वीडियो खत्म हो चुका है और काफी सही मजा आया, क्योंकि डायलॉग जो थे वो भाई बहुत फनी फनी थे और फायर तो कुछ देखने को मिला नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हेबी को मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो पे, और सब्सक्राइब कर देना मेरे इस चैनल को। बाय। हेलो दोस्तों, लाइक तो दबाइए, मुझे भी तो थोड़े बहुत व्यूज है चाहिए। अरे कर दो ना, मत शर्माइए। हाँ हो गया क्या? चलो अब जाइए।